यूटी एडमिशन ने आज डीएमसी चुनाव के नोटिफिकेशन जारी किए हैं। नोटिफिकेशन दरमियान रिजर्व सीट के बारे में बताए तो हुए कहा कि वार्ड नंबर एक जनरल वूमर, वार्ड नंबर दो में जनरल, वार्ड नंबर तीन में जनरल वूमर, वार्ड नंबर चार में जनरल, वार्ड नंबर पाँच में एसटी वूमन, वार्ड नंबर छः में जनरल वूमन, सात में जनरल, आठ में जनरल, नौ में जनरल, दस में जनरल, ग्यारह में जनरल वूमन, वार्ड नंबर बारह में जनरल वूमन और वार्ड नंबर तेरह में जनरल सीट की घोषणा चुनाव आयोग द्वारा की गई है। हमारे पांच वार्ड जो हैं, 15 वार्ड में से पांच वार्ड रिजर्व थे, जिसमें एक एसटी वीमेन और चार जनरल वीमेन थी। इन टोटल पांच वीमेन के लिए रिजर्व थे, एक एसटी के लिए जो कि एसटी वीमेन को चली जाती है, क्योंकि उसका 50% हमें रिजर्व करना पड़ता है, इसलिए वो एक सीट जो है एसटी वीमेन के लिए। लास्ट टाइम जो रिजर्व रहे हैं वो है वार्ड नंबर चार, सात, आठ और नौ, ये जनरल वीमेन के लिए रिजर्व थे, और वार्ड नंबर 10 जो है वो एसटी वीमेन के लिए रिजर्व था। इस टाइम हम इन पांच वार्ड को एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं, क्योंकि ताकि रेपिटेशन ना हो, तो इसलिए हम इनको एक्सक्लूड कर देंगे। और जो बाकी जो 10 वार्ड बच रहे हैं, हमारे जो 10 वार्ड जो बच रहे हैं वो है वार्ड नंबर 1, 2, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 14 और 15। इनमें से सबसे पहले हम चार, वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 9 और वार्ड नंबर 10, इनको हम इस बार एक्सक्लूड कर दे रहे हैं, क्योंकि ये पिछली बार रिजर्व रहे हैं। अब हम जो फर्स्ट ड्रॉ में डालेंगे वह है 10 वार्ड, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, सिमिलर पैटर्न में डालें, वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 11, वार्ड नंबर 12, जेंटलमैन को इसमें प्रोसेस में कोई डाउट हो तो वो अभी बता सकते हैं, क्योंकि फिर कंप्लीट हो जाएगा, फिर कुछ नहीं किया जा सकता। मैंने एक पर्ची इसको खोल दीजिए, एक पर्ची मैं निकाल ली, वहाँ टाइप कौन कर रहा है, वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 5 गोज टू एसटी वीमेन, वार्ड नंबर 5 एसटी वीमेन, ये क्या जाएगा जनरल वीमेन, क्योंकि 7 सीटें हैं। अब हमारे पास जो 10 में से एक ऑलरेडी वार्ड नंबर 5 जो है वो एसटी वीमेन के लिए ऑलरेडी रिजर्व हो चुका है। अब हमारे पास 9 वार्ड बच रहे हैं, 9 में से हम 7 सीटें जो है जनरल वीमेन के लिए रिजर्व करेंगे। अब ये 9 वार्ड है, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, 10 मत साथ नहीं, 15 मत, बिल्कुल अभी उठ गया क्या।
वार्ड नंबर 13 ये जनरल रहेगा, वार्ड नंबर 13 उनका ये वार्ड नंबर 2 ये भी अनरिजर्व्ड है। अब जो 7 वार्ड हैं वो आपको दिखा देते हैं जो जनरल वीमेन के लिए रिजर्व हो रहे हैं। वार्ड नंबर 14 गोस टू जनरल वीमेन, लेना मेरे को देना पूरा पूरा तो ये सब करने पैसा। वार्ड नंबर 3 जनरल वीमेन, वार्ड नंबर 12 जनरल वुमेन, वार्ड नंबर 1 जनरल वुमेन, वार्ड नंबर 6 जनरल वुमेन, वार्ड नंबर 15 वार्ड नंबर 15 जनरल वुमेन और वार्ड नंबर 11 जनरल वुमेन। तो फिर हम इसको प्रक्रिया को समाप्त घोषित करते हैं। नहीं आएगा वॉट अबाउट द पार्टी मैंडेट सर, हमें उड़ता उड़ता ऐसा खबर मिला कि पार्टी मैंडेट हटा दिया गया है। सिंबल ये इस रॉ फ्लोर से संबंधित नहीं है सर। योर ऑनर इज हियर सो वी आर जस्ट आई मीन यू साइड ना वी आर करने के लिए। नहीं, ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं है, कोई जनरल डिस्कशन भी नहीं है, ये हम सिर्फ और सिर्फ अभी ड्रॉफ लॉट्स पे फोकस है हमारा। इससे संबंधित सवाल अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। नहीं अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है तो ये ड्रॉ हो सकता है सर। क्यों नहीं हो सकता? हाँ ठीक है सर। सर एक्चुअली ये सर चुनाव की प्रक्रिया जो होएगी वो कब होएगी? और हमारे म्यूनसिपलिटी के जो टर्म है वो फेब्रुआरी में सर खत्म होती है सर, तब तक क्या हमारे टर्म क्या है? ये कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया नहीं थी, हमारे कुल 15 ही गार्ड्स हैं और 50% जो सीटें हैं महिलाओं के लिए रिजर्व हो चुकी हैं और उसके हिसाब से इस बार महिलाओं का प्रतिनिधित्व ज़्यादा रहेगा और वही ड्रॉ स्लॉट हमको निकालना था और सबके सहयोग से बड़ा आराम से ये सारी प्रक्रिया संपन्न हो गई है। सर कौन सी सीटें रिजर्व थी और कौन ओपन? वो अभी हम नोटिफिकेशन इशू कर देंगे उसके सारा ऑफिशियली, आपके सामने ही हुआ था वो सब, तो इसमें भी मैं क्या बताऊँ सर। उम्मीद है कि मतलब अगले 15-20 दिन में ये प्रोजेक्ट डिक्लेयर कर आप बता देंगे वक्त पे। थैंक यू। था और जो इलेक्शन कमिश्नर नरेंद्र कुमार जी आए थे यहाँ पे, इन्होंने ड्रॉ किया, पर हमारा 2-3 सवाल था। मैंने कमिश्नर साहब से पूछा नरेंद्र कुमार जी से कि मुझे उड़ते उड़ते मालूम पड़ा है कि कोई मैंडेट पार्टी का मैंडेट हटा दिया गया है, जैसे मैंडेट मतलब सिंबल, पार्टी सिंबल। आज तक पार्टी सिंबल पे ही चुनाव होते आया है दमन और दीव और दादरा नगर हवेली में, आपने देखा होगा, चाहे नगर पालिका हो या ग्राम पंचायत हो या जिला पंचायत हो। तो उसका गोल गोल जवाब दे दिया इन्होंने, कहा कि मैं इस पे आज नहीं कहूँगा, आज नहीं बोलूँगा, ये सिर्फ और सिर्फ ड्रॉ की प्रक्रिया थी। पर मेरा आपसे और आपके माध्यम से उनको भी एक सवाल है, आप इलेक्शन कमिश्नर हो, आप ऑनरेबल इलेक्शन कमिश्नर हो इस टेरिटरी के दमन दीव दादरा नगर हवेली के, क्या आप इसका जवाब नहीं दे सकते थे? मेरा एक सिंपल सा सवाल था कि क्या चुनाव प्रक्रिया जो है वो सिंबल पे होगी, मैंडेट पे होगी या नहीं,
तो उन्होंने घुलमुल जवाब दे दिया, बोले नहीं इस पर नहीं कहूँगा। इसका मतलब हम समझ गए कि ऊपर से कुछ ना कुछ है गड़बड़ घोटाला, कि इस समय जो चुनाव होना है वो चुनाव पार्टी सिंबल पे नहीं करने वाले हैं। तो क्या यही प्रक्रिया जिला पंचायत में भी रही, आपको क्या होगा? वो तो अभी जिला पंचायत का जब ड्रॉ या उसका समय होगा तब हम पूछेंगे, पर आज उन्होंने जवाब तो दे दिया ना, हमारा जो सवाल था उसका जवाब उन्होंने दे दिया। तो अभी वो तो इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन इनका ही है, अभी क्या बोल सकते हैं? मान लीजिए इसमें सिंबल नहीं है तो आपको कांग्रेस की तरफ से कैसे रहेंगे? कांग्रेस प्रेरित लड़ाएंगे ना, वो तो कोई बात ही नहीं है। हम तो सिंबल मांग रहे हैं कि सिंबल दीजिए ना भाई, पार्टी सिंबल होना ही चाहिए। और हमारे संविधान में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन का बना है उसमें ऑलरेडी पार्टी मैंडेट है, पार्टी मैंडेट का प्रावधान हमने किया है और रखा है, और किस वजह से और क्यों और कैसे ये हटाएंगे वो मुझे पता नहीं है। उसमें भी प्रक्रिया करनी पड़ेगी, अगर हटाना है तो कैसे हटा सकते हैं? इलेक्शन कमीशन को कुछ तो प्रक्रिया करनी पड़ेगी ना उसमें। इसके बारे में आप कुछ आगे नहीं, अभी वो तो जब समय आएगा तभी बताएंगे ना, अभी इन्होंने तो गुलमुल जवाब दे दिया, अभी आगे देखते हैं। थैंक यू। ये ड्रॉ सिस्टम है, आप भाजपा की ओर से आपका क्या मानना है, आपको संतोष है क्या है आज की प्रक्रिया से? बिल्कुल संतोष है, जो प्रक्रिया नियमित हुई अच्छी हुई, सभी ने सहयोग किया और अच्छी रीत से लकी ड्रॉ का संपन्न हुआ। जातक का एक दो जन ने पूछा भी कि मैंडेट लड़ा जाएगा कि नहीं सिंबल पे, तो इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आज ये प्रक्रिया ओनली लकी ड्रॉ, ये ड्रॉ सिस्टम ऑफ मेरी सीट से रिजर्व सीट के लिए है, तो उसमें सीमित रहेगा। आने वाले दिनों में हम उसकी क्लेरिफिकेशन देंगे, लेकिन मैं मानता हूँ कि आपने देखा होगा कि नगर पालिका के चुनाव कभी भी सिंबल पे नहीं लड़े, वो इंडिपेंडेंटली लड़े थे, लेकिन लास्ट ईयर मैंडेटेड किया था, पार्टी सिंबल से चुना गया था। और अगर यही प्रक्रिया चालू होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर अगर किया है तो वापस निकालने का मतलब नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि चुनाव पार्टी सिंबल से लड़े तो अच्छा होगा, अगर नहीं भी लड़े तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव तो लड़ेगी, अपने कैंडिडेट मैदान में उतारेगी और पार्टी का नगर पालिका में और जिला पंचायत में भाजपा का परचम लड़ाएगा। थैंक यू।